मित्रों, कमल के पुष्प से कौन परिचित नहीं होगा। कमल के पुष्प को साहित्य के अंदर बहुत बड़ा स्थान मिला है और हिंदी साहित्य में इसे कई कवियों ने बड़े मार्मिक भाव से इसके बारे में बखान किया है। मैं आज आपको कमल पुष्प के बारे में बताने जा रहा हूँ। कमल पुष्प, इसका जीव वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसिफेरा। इसको संस्कृत में पद्म कहते हैं, अरविंद कहते हैं, सरसिज कहते हैं, वारिज कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके हैं। फारसी में इसको नीलोफर कहते हैं, इंग्लिश में इसको लोटस कहते हैं। तो ये बहुत सारे नाम है और इसकी गुणवत्ता और इसके अच्छे होने का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका नाम कमल है। कमल को राष्ट्रीय पुष्प होने का दर्जा प्राप्त है। तो ये कमल चैत महीने से लेकर के और सावन भादों तक पानी में कीचड़ से ऊपर की तरफ निकलता है। इसमें डंठल होती है, उस डंठल के अंदर रेशा जो होते हैं उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा इन फूलों के बीच में एक फल निकलता है, वो फल कमलगट्टा कहलाता है, जिससे ताल मखाना बनाने का काम किया जाता है। जो मखाना आप विभिन्न प्रकार के यज्ञ में डालते हैं या आप खीर बनाते हैं उसमें डालते हैं, इस उससे तैयार किया जाता है। इस कमल जो कमलगट्टा होता है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये बहुत उपयोगी है और कमल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप दिल्ली में बहाई मंदिर देखे होंगे, वो बहाई मंदिर लोटस टेम्पल कहते हैं उसको, वो कमल के आकार का बना हुआ मंदिर है। तो ये कमल पुष्प इस समय चैत्र महीने से लेकर के और सावन भादों तक लगातार आपको इसी तरह पुष्पित दिखाई पड़ेगा। आपका मन को हर लेने वाला ये पुष्प होता है और ये अपने आप में एक बहुत